today's time and date is, let's ask Google. Google, what is today's time and date? Since today it's 15th August, so I would like to wish everyone Happy Independence Day and Happy Raksha Bandhan, dono ek din aa rahe, so lucky sisters, so that they can actually go and visit their brother's place and tie rakhis. मैं इंडिया आ चुका हूँ. यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो आई लैंडेड एंड यू नो आई वाज लुकिंग अराउंड फॉर माय कैब, लाइक आई बुक ऊबर फ्रॉम एयरपोर्ट. उसके बाद मैं अभी एक्चुअली शूट कर रहा हूँ. मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था. आई वाज रियली बिजी फॉर मेनी थिंग्स, लाइक आई वाज लाइक हसलिंग अराउंड विद सम ऑफिशियल, लाइक यू नो माय लोकल डॉक्यूमेंट्स. आई वाज इवन हंटिंग फॉर बाइक्स एज़ वेल, सर्च मेनी वेबसाइट्स एंड आई विजिटेड कपल ऑफ प्लेसेस. फाइनली आई एंडेड अप टेकिंग बाइक फ्रॉम द बुलेट राजा. इट्स इन मुलुंड वेस्ट. I am from actually Mulund East, so I had to go over there and I had to like look around for the bikes. And ek bike pasand aayi, that was a Dominar 400. I bought it for almost like one max, and that's a really good bike. 2017 model, 16,000, I think 16,500 clicks onto it. Abhi main wahi actually niche ja raha hu, so I would take you guys down in there. I will show you some quick papers. Kab maine purchase ki? I bought it on actually 12th of August. आज 15th है एंड जब से मैंने बाइक लाया है इट्स जस्ट इन द पार्किंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो डाउन. सो दिस इज बीन टेकन फ्रॉम बुलेट राजा बाइक्स, एज यू कैन सी द नेम, एंड दिस वन वाज टेकन ऑन 12th August 2019. दिस इज द पीयूसी. Yet the RC has to reach my home. I got this bike from Bullet Raja, Dominar 400. This is actually 373cc. I don't know if you guys can actually see this. I'll make a video again in a bright light. Abhi filhal barish ka mausam hai, so weather is too bad. थोड़ा बहुत क्लाउडी है बिकॉज ऑफ दी रेनी सीज़न. यहाँ पे बारिश बहुत चल रहा है. सी द बाइक. आई रियली अपोलोजाइज इफ यू गाइज आर नॉट इवन एबल टू हियर मी प्रॉपरली बिकॉज आई डोंट हैव अ एक्चुअल माइक इन टू इट येट. मुझे अभी तक मिला नहीं एक्सटेंशन. आई हैव नॉट टू बी फ्रैंक आई हैव नॉट गॉन आउट. आई विल सर्टेनली गो टू बैक जोन. आई हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट, विच इज़ आई थिंक प्रॉब्ली इन वीटी सीएसटी. Yeah, I'll go there and I'll buy some mic and some accessories for my GoPro. Right now, let's go. Let's see. Okay, let's go there. तो अभी मैं रेलवे से सीधा CST आ गया. थोड़ा बारिश तो चालू ही था तो मैंने सोचा कि मैं बाइक नहीं तो मैं ट्रेन ले लूँ. अब मेरे घर से थ्रू ट्रेन इट यूजली टेक्स 40 मिनट्स इन स्लो लोकल, और फास्ट अगर रहा तो इट विल मैक्स टू मैक्स टेक लाइक 30 मिनट्स. और थोड़े बादल हट गए थे तो अभी मैं यहाँ से सीधा बैक जोन जाऊँगा. इफ़ यू विल सी द वीडियो फुल यू विल कम टू नो एग्जैक्ट रूट ओवर टू बैक जोन. और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा एक इंफॉर्मेशन डाल दूँगा, जैसे कि मैप में पता चल जाएगा बाय रूट इट यूजुअली टेक्स
मतलब बाय रोडवेज इट यूजुअली टेक्स 2 आवर्स और ट्रेन इज मच मोर फास्ट. सो मैंने ट्रेन ले लिया. अगर वीडियो फुल देख लोगे तो आपको डायरेक्ट रूट पता चल जाएगा बैक जोन जहाँ पे लोकेटेड है. एंड ऑन द वे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा लाइक गूगल मैप. आई विल शो यू द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली. किसी को भी जाना हो वो आराम से वो रूट ले सकता है या फिर सिंपली दे कैन डू अ गूगल सर्च. उनको स्टोर पता चल जाएगा. ये बहुत फेमस स्टोर है. बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कैमरा इक्विपमेंट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी चाहिए होगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है. एंड ही इज़ अ रियली वंडरफुल गाय. ओ बाओ जरा जागा बेकी मानसे न जायले काय रास्ता छ मोदे सुबर आइले सरक की. From station you just merely take left. जैसे कि आप अभी देखोगे इस वीडियो में मैंने जस्ट लेफ्ट ले लिया और आई एम जस्ट गोइंग स्ट्रेट. ये मैप भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. इट इज़ जस्ट 7 मिनट्स ऑफ वॉक और हार्डली 7-8 मिनट ले लेता है वहाँ पे पहुँचने के लिए. तो इसको देखते रहिएगा. मैं डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा और आपको पता भी चल जाएगा रूट क्या है एग्जैक्टली. और जो नए हैं उनको गूगल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्हें बैक जोन को जाना है स्पेसिफिकली. एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ मुंबई लाइक थाने डोंबली कहीं और से और उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली. जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना चुके हैं पहले ही या बना दिया है उन्होंने लोकेशन के बारे में. उन्होंने रूट वगैरह दिखा दिया है. लेकिन अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको बाय ट्रेन बाय वॉक कितना टाइम लगता है और कहाँ से कैसे जा सकते हो ये इजीली पता चल जाएगा.
और ये आ गए अपन मोस्टली ये पूरे गली में बहुत सारे कैमरा शॉप्स है, जैसे कि ये बोर्ड्स देख लोगे आप यहाँ पे, बहुत सारे कैमरा शॉप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक्स, एक्सटेंशन, बैटरीज, जो कुछ भी चाहिए रहेगा यहाँ से ले सकते हो। बट मुझे तो जाना है बैक जोन, तो जैसे कि आप मेरे राइट में देख लोगे, इट इज़ नेम्ड एज BNM, बट हाँ उसका नाम बैक जोन है, BNM बैक जोन। और इस गली के अंदर से हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे उनका, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे उनका शॉप है। इट्स प्रीटी डार्क हियर, तो वीडियो भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से जाएंगे तो सेकंड फ्लोर, आई थिंक शॉप इन्होंने मूव किया था यहाँ पे। इट्स प्रीटी न्यू शॉप, सो लेट्स गो एंड बाय माय स्टफ। शॉप में थोड़ा बहुत भीड़ था तो मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, तो आई बेसिकली टुक माई स्टफ़। मुझे ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा लगा वहाँ से निकलने के लिए। रशीद भाई बहुत औसम है, मतलब हमने बहुत सारे बातें की, उन्होंने मुझे उनके अगले ट्रिप के बारे में बताया और बहुत सारे लोग आए जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे। तो फाइनली अभी आई केम बैक टू CST स्टेशन और वीडियो निकालने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने फिर रिकॉर्डिंग कुछ किया नहीं। अब डायरेक्टली स्टेशन पे आया हूँ और यहाँ से मैं घर पे जाऊँगा। सो आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ लोकल ट्रेन लुक्स फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि मैं पहले जस्ट बाहर निकल चुका था, तो अभी मैं थोड़ा अंदर जाऊँगा, अंदर से थोड़ा शूट कर लूँगा एंड आई जस्ट गो होम। गाड़ी लेके कुछ ही दिन हुए हैं और ये एक नया इशू, जहाँ जहाँ हाथ लगा रहा हूँ उसे एयर बबल्स कहते हैं एंड दोज आर वेरी वेरी रेयर। ये मैंने गूगल सर्च करके देखा है तो मुझे पता चला है ये यूजुअली ऐसे टायर्स में होता नहीं है, बट मेरा रेयर केस था। एक अच्छा हुआ कि ट्रिप को जाने से पहले ही मैंने नोटिस कर लिया, तो एटलीस्ट मैं उसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ। सो जस्ट सी, नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा ये एयर बबल्स के बारे में क्या करूँगा मैं, एंड लेट्स वेट एंड वॉच।
और हाँ, बाय द वे, दीज आर स्टॉक टायर्स, ये कंपनी के साथ ही आए थे, बाइक के साथ ही, इसे कुछ चेंज नहीं किया गया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच इन माई नेक्स्ट एपिसोड, मैं कुछ तरकीब निकालूंगा इसका, एंड आई विल लेट यू नो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।